नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत कोकिंग को लिमिटेड यानी कि BCCL में दोस्तों एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। ये दोस्तों स्पेशल जो वैकेंसी है वह SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है वो है दोस्तों जूनियर ओवरमैन का, ठीक, टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी का। बेसिक पे इसका है दोस्तों 31,852.56 पर मंथ के हिसाब से बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है। वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो SSC का यहाँ पर 10 सीट है, ST के यहाँ पर 62 सीट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 5 सीट है। टोटल यहाँ पर 77 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप दोस्तों इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसको विजिट करना है, और यहाँ पर देखिए नीचे जाना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, देखिए BCCL रिक्रूटमेंट 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये जो पेज है ओपन हो जाएगा और इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है, ठीक, कि वैकेंसी कितना है, फॉर्म कैसे भरना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया, अप्लीकेशन फीस कितना है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया। सबमिशन यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो किस एड्रेस पर भेजना है, इन सब के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, और देखिए आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो दिया गया है क्वालिफिकेशन में देखिए कहा गया है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक। दूसरा है यहाँ पर वैलिड ओवरशिप कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड इशूड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग बोथ ओपन कास्ट OC एंड अंडरग्राउंड OG माइंस, और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू होना चाहिए वो 2/5/2023 तक इशू हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। एज क्राइटेरिया तो देखिए एज के लिए मिनिमम एज आपका 18 साल पूरा होना चाहिए, जो एज की गणना करनी है 2/5/2023 के आधार पर करना है। और देखिए OBC कैंडिडेट हैं अगर नॉन क्रीमी लेयर वाले तो उनका 33 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, SC ST वालों को 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक। और देखिए आपको इसकी जो गणना करनी है क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वह 2/5/2023 के आधार पर करना है। अप्लीकेशन फीस दोस्तों SC ST का कोई भी फीस नहीं लगेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1180 रुपये लगेगा फीस। जो आपका फीस जमा होगा दोस्तों देखिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा, नेशनलाइट बैंक इन फेवर ऑफ भारत कोकिंग को लिमिटेड पेबल एट धनबाद, इसके फेवर में आपका फीस यहां पर जमा होगा, ठीक। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट www.bccl.web.in, इस पर जाके आप अपना वैसे objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना सब कुछ डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जैसे कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका डाउनलोड होगा उसको सही तरीके से भरकर वो भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मेट्रिक लिस्ट कक्षा 10 का मार्कशीट भेजना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफ मेट्रिकुलेशन का सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और मार्कशीट सब कुछ भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भेजना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट डिमांड ड्राफ्ट इन ओरिजिनल आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड का भेजना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देखिए जो आप अपना फॉर्म भरेंगे वह रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए फॉर्म भरकर भेजेंगे, ठीक। कहाँ पर भेजना है तो जनरल मैनेजर PNI और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन कोयला नगर पोस्ट BCCL टाउनशिप धनबाद झारखंड पिन है 82605। यह आपका 25 मई 2023 के पहले शाम को 5 बजे तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक। और जो आप अपना लिफाफा यूज करेंगे उसके ऊपर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड जरूर लिखिएगा, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई हैंड, हाथ के द्वारा
फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर कराया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा आपका। देखिए नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों, देखिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें दो सेक्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सेक्शन ए में दोस्तों जो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड रहेगा 20 क्वेश्चन 21 नंबर के, और सेक्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज रहेगा जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा 1-1 नंबर का। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा बहुत ही जल्द बताया जाएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए कम से कम 40 नंबर लाना अनिवार्य, सीएसटी वालों को 35%। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए 3 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वही चीज यहाँ पर बताया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल है ये मैंने इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने बता दिया है। जो आपका फॉर्म है दोस्तों जस्ट इसी के नीचे दिया गया, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जैसे फॉर्म भरना 2 मई से स्टार्ट है और 25 मई 2023 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट, ये सब ऑफिशियल यूज ओनली है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये सब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आइएगा, बीसीसीएल रिक्रूटमेंट 2023 इस पर क्लिक करेंगे, या लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाके इस पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का दोस्तों फायरमैन का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग अगर भरे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और एनपीसीएल गोरखपुर हरियाणा अणुशक्ति का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है, तो आप लोग अगर उसे नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं। और देखिए एम्स पटना में दोस्तों कक्षा 10-12 आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, आप लोग उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। बाकी कोई अपडेट होगा आपको इस वेबसाइट के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।